प्रथम तहलका न्यूज और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जी। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि प्रिथला विधानसभा के गांव शाहजापुर के मनोज भाटी आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि सेना में सैनिक के तौर पर मनोज भाटी कार्यरत थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सैनिक मनोज भाटी। आपको बता दें कि आज उनके पैतृक गाँव जो है उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, तो वहीं इस शहादत के जो है पूरे इलाके में लोगों को भारी दुख है, लेकिन वही शहादत पर गर्व भी है। आपको बता दें कि आतंकी हमले में दो अन्य जवान भी जो है इस दौरान शहीद हुए हैं। सेना ने दो आतंकियों को भी मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां प्रिथला विधानसभा के गांव शाहजापुर के मनोज भाटी आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि सेना में सैनिक के तौर पर वो कार्यरत थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो है सैनिक मनोज भाटी शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि आज उनके पार्थिव शरीर को जो है उनके पैतृक गांव लाया जा सकता है, तो वहीं इस शहादत के बाद जो है पूरे इलाके में लोगों में भारी दुख देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं लोगों का कहना है कि हम इनकी शहादत पर गर्व भी करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में दो अन्य जवान भी शहीद हुए हैं और सेना ने दो आतंकवादियों को भी मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है। सब परिवार से मिलने पहुंचे हैं शहीद मनोज भाटी के घर, किस तरह से सांत्वना दी है परिवार को? बहुत दुखद समाचार है पूरे गांव के लिए भी और फरीदाबाद जिले के लिए और समस्त देशवासियों के लिए। तो मेरी श्रद्धांजलि मनोज भाटी जी को, जिन्होंने निडरता से तत्परता से देश की सेवा की, शहीद हुए देश के लिए, और परिवार से मिला, परिवार में दुख का माहौल है। पूरे गांव वालों से मिला, सरपंच साहब से, नंबरदार साहब से, बाकी मौजूद आदमियों से मिला, तो परमपिता से यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दें, स्वर्ग में स्थान दें। बहुत दुख का क्षण है और गांव वासियों से भी यही अपील है कि परिवार का ध्यान रखें, गाँव का ध्यान रखें। अंतिम संस्कार को लेकर भी गाँव वालों की कोई सहमति निर्धारित की गई? हाँ, एक दो जगह देखी तो गाँव वालों ने ही, पास में एक पार्क है तो उसी में सभी ने एग्री किया कि यहीं पर ही उनके पार्थिव शरीर चलाए जाए, जो भी अंतिम संस्कार किया जाए और यहीं पर ही उनकी मूर्ति स्थापना या बाकी जो सरकार के नियम के अनुसार पूर्णबंदी से वो की जाए। तो गांव वालों की सबकी सहमति है, तो उम्मीद है कल या परसों तक पार्थिव शरीर आ जाएगा, फिर उसका अंतिम संस्कार रीति द्वारा किया जाएगा।